गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। आज की हमारी जो संस्कृत की क्लास है इसके अंतर्गत हम ग्रामर के टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है संस्कृत अनुवाद। यानी कि आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि संस्कृत अनुवाद हम किस प्रकार से करते हैं। जब हमें हिंदी वाक्य दिए जाते हैं तो उनकी संस्कृत हम किस तरीके से बनाते हैं, इसके अंतर्गत हमें उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन आज हम इस क्लास के अंतर्गत करेंगे। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक वाक्य जो है यहाँ पर हिंदी का लिख रहा हूँ और उसके बाद उस हिंदी के वाक्य से संस्कृत निर्माण किस प्रकार से हम करते हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकताएँ हमें उसके अंतर्गत पड़ती हैं, ये अध्ययन हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक छोटा सा सेंटेंस है, तुम घर जाते हो या जा रहे हो। तो देखिए, इस सेंटेंस का जैसे मान लीजिए हमें हिंदी से संस्कृत अनुवाद करना है तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले क्या देखते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस को जब आता है तो उस सेंटेंस का हमें क्या है कि उसके टुकड़े करने हैं चाहिए, उसके बारे में देखना चाहिए कि इस अमुक वाक्य के अंतर्गत कौन सा शब्द जो है, कौन सा पद जो है, वो क्या चीज़ है, क्या यहाँ पर करता है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है, या ETC कुछ और भी दिया गया है तो वह यहाँ पर क्या है। तो देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले, एक शब्द यहाँ पर आया है तुम, इसके अलावा एक शब्द यहाँ पर है घर, और उसके बाद है जा रहे हो। अगर हम बात करें इसके बारे में तो यहाँ पर देखिए, तुम हमारे इस वाक्य का कर्ता है जिसे हम इंग्लिश के अंतर्गत सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर घर जो है वह कर्म है और जा रहे हैं यह इस वाक्य की क्रिया है। तो देखिए, हमें यहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर अमुक शब्द जो है वह कर्ता है, अमुक शब्द जो है वह कर्म है और अमुक शब्द यहाँ पर क्रिया है। वाक्य कितना भी बड़ा हो सकता है, वाक्य कितना भी छोटा हो सकता है, हमें उसके रूप में ही उसका अनुवाद करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने अध्ययन किया कि तुम जो है, तो हमें यहाँ पर पता लगा कि तुम इस वाक्य का कर्ता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें वाक्य में किस प्रकार से पता करना चाहिए कि इस वाक्य का कर्ता क्या है। तो देखिए, इसके अंतर्गत हमें पता लगता है कि जब भी हमें कोई क्रिया हो, किसी काम या कार्य को करने वाला जो उस वाक्य के अंतर्गत दिया गया है वह उस वाक्य का कर्ता होता है। अर्थात जिस काम या क्रिया को जो करने वाला होता है वह उस वाक्य का कर्ता होता है। तो यहाँ जो जाना क्रिया है, इस क्रिया को तुम कर रहा है, अर्थात यह तुम जो है इस वाक्य का कर्ता होगा। नेक्स्ट बारी आती है कि इस वाक्य की क्रिया, तो क्रिया देखिए क्या होती है और क्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं। क्रिया क्या होती है, जब किसी काम या कार्य को किया जाए या जो काम या कार्य हो रहा है वह उस वाक्य की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, जाना जो है वह यहाँ पर क्रिया हो रही है, वह यहाँ पर काम हो रहा है, तो अमुक वाक्य की जो क्रिया है वह जा रहे हो यह होगी। इसके अलावा भी इस वाक्य के अंतर्गत एक शब्द और आया है कर्म। तो कर्म का हम कैसे पता करते हैं कि इस वाक्य के अंतर्गत कर्म क्या है, तो क्रिया का जिससे सीधा या साक्षात संबंध होता है वह कर्म है। अब यहाँ पर सीधा साक्षात संबंध कैसे हो रहा है, जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, घर जा रहे हैं, तो यहाँ यह अमुक वाक्य का क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। भाई जाना कहाँ है, घर जाना है। तो अमुक वाक्य में हमें पता लग चुका कि यह शब्द कर्ता है, यह शब्द कर्म है और यह शब्द क्रिया है। अब बारी आती है, देखिए कि हमने दो टॉपिक पढ़े थे, एक टॉपिक हमने पढ़ा था सबसे पहले पुरुष का और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था लकार का। लकारों से धातु निर्माण होता है और जो पुरुष होता है वह हम कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखिए, कर्ता में हमें जरूरत होती है पुरुष की,
और क्रिया के अंतर्गत जो हमें जरूरत होती है वह होती है लकार, जिसे हम धातु रूप भी कहते हैं, क्योंकि लकारों से ही धातु रूप का निर्माण होता है। देखिए इस सेंटेंस को हम बड़ी गहराई से समझेंगे, यदि हमें एक सेंटेंस समझ में आ जाता है तो हम कितने भी सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, कितने भी संस्कृत वाक्य हम बना सकते हैं। तो इसे हम देखते हैं इस तरीके से, तुम जो है यह इस वाक्य का कर्ता है और कर्ता के अंतर्गत पुरुष का प्रयोग होता है, जा रहे हैं इस वाक्य की क्रिया है और इसके अंतर्गत लकार या धातु का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ बात करते हैं हम पुरुष, तो हमने जब पढ़ा था कि पुरुष क्या होता है, पुरुष के कितने भेद होते हैं, तो इसे हम जानते हैं। यहाँ दिया हुआ है तुम, तो तुम जो है वह पुरुष आएगा, इसके अंतर्गत कौन सा पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा, यह हमें पता लग गया। लेकिन हमें यह भी पता करना है कि मध्यम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ तुम एक अकेला है, तो यह जो कर्ता हमारा है वह मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है। क्लियर, ये चीज हमें पता लग चुकी। अब एक चीज और हमारे दिमाग में सेट हमें करनी है कि कर्ता हमारा जिस पुरुष जिस वचन का होता है, क्रिया में भी हम वही पुरुष वही वचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी क्रिया होगी इसके अंतर्गत हम क्रिया लगाएंगे वह भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। सिर्फ इसके साथ में हमें यहाँ पर क्या चीज देखनी होगी, लकार देखना होगा कि वाक्य के अंतर्गत कौन सा लकार है। हम मध्यम पुरुष एक वचन की जो क्रिया का प्रयोग करेंगे वह कौन सी लकार की करेंगे, यह चीज हमें देखनी है। तो देखते हैं तुम जो शब्द है, इस तुम शब्द की संस्कृत होती है त्वम, तुम शब्द की संस्कृत होती है त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन। घर जो शब्द है उसकी संस्कृत होती है गृह, और गृह में क्योंकि कर्म में हमने पढ़ा हुआ है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो घर के अंतर्गत हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो यह होगा गृह, त्वम गृह। अब पारी आती है जा रहे हो, जाने की जो मूल धातु होती है वह धातु होती है गम, लेकिन जब हम इसका लकार में प्रयोग करते हैं तो सिर्फ एक लिट लकार भविष्य काल को छोड़ करके शेष जो चार लकार हैं उनके अंतर्गत हम गच्छ से इसका प्रयोग करते हैं, इसके रूप हम गच्छ के अकॉर्डिंग चलाते हैं। ओनली फॉर जो लिट लकार जिसे हम हिंदी में भविष्य काल कहते हैं उसके अंतर्गत ही हम गम के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इस वाक्य के अंतर्गत कौन सा लकार है, क्योंकि लकार जब हमें पता लगेगा उसी के बाद हम इसके रूप चला सकते हैं। तुम घर जा रहे हो, अर्थात यह कार्य वर्तमान में हो रहा है, तो यहां पर लट लकार है, लट लकार को ही हिंदी के अंतर्गत वर्तमान काल कहते हैं। क्लियर, अब बात आती है कि यहां जब लट लकार है तो लट लकार की जो जो रूप चलेगा वह गच्छ के अकॉर्डिंग चलेगा, तो यह जाने की जो संस्कृत होगी वह गच्छ होगी। अब यहां गच्छ में हमें लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगाना है, तो देखिए प्रथम पुरुष में आता है ती, तह, अंति, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा सी, थे, थे। तो यहां एक वचन है तो सी का प्रयोग होगा, तो यहां पर जो लगेगा वह होगा सी, अर्थात तुम घर जा रहे हो इसकी संस्कृत होगी त्वम गृहं गच्छसि, त्वम गृहं गच्छसि। तो देखिए बेटा सबसे पहले हमें जब हम हिंदी वाक्यों से संस्कृत अनुवाद करते हैं तो हमें क्या क्या चीज जानना जरूरी है और किस तरीके से हमें उसे करना है, यह चीज आज अभी हमने सीखी। तो वापस से मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले सेंटेंस के अंदर हमें जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का कर्ता, कर्म और क्रिया को जानना है कि कौन सा शब्द कर्ता है, कौन सा शब्द कर्म है और कौन सा शब्द क्रिया है। उसके बाद कर्ता के अंतर्गत हम पुरुष का प्रयोग करते हैं और क्रिया के अंतर्गत हम लकार या धातु रूप का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा भी क्या क्या शब्द दिए गए हैं उनका वर्णन हम यहां पर देखते हैं। इसके बाद यहां जो तुम दिया हुआ है उसमें कौन सा पुरुष है यह हम देखते हैं, कौन सा वचन है यह हम देखते हैं, इस
जब कर्ता हमारा जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया में भी हम वही पुरुष और उसी वचन का प्रयोग करेंगे। सिर्फ हम वहां पर लकार देखते हैं कि अमुक वाक्य के अंतर्गत कौन सा लकार है। क्लियर? तो यहां पर हमने देखा कि तुम जो शब्द था वह मध्यम पुरुष एक वचन का था और इसकी संस्कृत तुम होती है, घर जो है जिसकी संस्कृत गृह होती है, और कर्म होने के कारण यहाँ पर हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया और यहाँ पर आया गृह। इसके बाद जाने की जो धातु होती है वह गच होती है और उसके रूप गम मूल धातु है। रूप गच से चलता है क्योंकि यह लट लकार वर्तमान काल है, इसलिए यहाँ पर क्या आया गच। और यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन की हमने इसके अंदर क्रिया जोड़ी तो सी इसके अंतर्गत जोड़ा और इसी के साथ में रूप सिद्ध हो गया गच सी। तो इस तुम घर जा रहे हो कि संस्कृत होगी तुम ग्रहण गच सी। ये सारी चीजें जो हमने जानी थी ये सिर्फ हमें सेंटेंस को पहचानने में सहायता प्रदान करती है कि इस तरीके से हमें देखना चाहिए। आपको ये लिखना नहीं है, वहां पर जब आपका संस्कृत अनुवाद आप करेंगे तो आपको हिंदी मिलेगी और आपको उसकी क्या बनानी है संस्कृत बनानी है। ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ किसकी दृष्टि से है, समझने की दृष्टि से ही। चलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वाक्य की ओर। देखिए जैसे हिंदी का सेंटेंस हम कोई और लेते हैं, महेश पढ़ेगा। अब देखिए इस वाक्य के अंदर सिर्फ दो ही शब्द, एक महेश और एक पढ़ेगा। तो इस वाक्य का कर्ता कौन है? भाई महेश। और इस वाक्य की क्रिया है पढ़ेगा, क्योंकि महेश इस पढ़ने का काम करने वाला है अर्थात वो कर्ता कहलाएगा, और पढ़ेगा वो महेश जो कार्य को कर रहा है, जो पढ़ने को कार्य को कर रहा है, तो वह उस वाक्य की क्रिया कहलाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो हमें समझना है कि एक सार्थक वाक्य के अंतर्गत कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया का होना जरूरी है। जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि किसी वाक्य या सार्थक वाक्य के लिए कम से कम एक उद्देश्य और एक विधेय की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम संस्कृत के वाक्य बनाते हैं तो हमें हिंदी के वाक्य के अंतर्गत भी एक कर्ता और एक क्रिया का होना अति आवश्यक है। तो देखिए यह इस वाक्य का कर्ता है और कर्ता कोई नाम दिया गया है, नाम प्रथम पुरुष में आता है, नाम एक है अर्थात ये प्रथम पुरुष एक वचन है और इसका जो संस्कृत होगी वह होगी महेश। पढ़ने की जो धातु होती है वह होती है पठ। अब हम यहां पर लकार देखेंगे पढ़ेगा यानी कि भविष्य काल, और भविष्य काल को हम संस्कृत में कहते हैं लृट लकार। कौन सा लकार कहते हैं? लृट लकार हम यहाँ पर कहते हैं, और इस लृट लकार में हम इष्यति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी संस्कृत होगी वह होगी पठिष्यति। तो महेश पढ़ेगा, इसकी संस्कृत होगी पठिष्यति। इसी प्रकार से हम कितने भी बड़े या कितने भी छोटे वाक्य का निर्माण हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो बेटा ये था आज की आपकी क्लास जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन कर रहे थे संस्कृत अनुवाद अर्थात हिंदी वाक्यों से संस्कृत अनुवाद हम किस तरीके से करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।